हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। आज मैं आप सबसे चिकन कोल्हापुरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है, तो मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन ले लिए हैं और इसमें 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। हम लोग पिंक सॉल्ट यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर पिंक सॉल्ट ऐड किया है। आप जो नमक यूज करते हैं वही नमक ऐड करना है। फिर मैंने इसमें 1 teaspoon हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद फिर 1 tablespoon रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। ये देखिए 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद फिर सभी चीजों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सभी चीजों से चिकन को मैरिनेट करने के बाद कम से कम 1/2 hour के लिए चिकन को साइड में रखना है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो चिकन को मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम के लिए रखें तो बेहतर रिजल्ट आएगा। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है मैं कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 teaspoon जीरा, 1 teaspoon ब्लैक पेपर कॉर्न, 1 tablespoon तिल सिसमे सीड, 1 tablespoon खसखस, 7 से 8 सूखी लाल मिर्च, 1/2 जायफल, ये देखिए 1/2 जायफल ले लिया है, 1 small stick दालचीनी, 1 जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची और 4 से 5 लौंग। और इन सब चीज़ों के साथ में डेसिकेटेड कोकोनट को भी ड्राई रोस्ट करूँगी। मैंने यहाँ पर 5 tablespoon डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। तो सबसे पहले मैं तिल और खसखस को छोड़ के सारे मसाले को ऐड कर दूंगी और 30 seconds तक इनको ड्राई रोस्ट कर लूंगी। और 30 seconds के बाद फिर मैं तिल और खसखस को भी ऐड करूंगी। तो पहले मैं इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और फिर मैं तिल और सिसमे सीड ऐड करूंगी। तिल और सिसमे सीड को ऐड करने के बाद ज़्यादा देर सॉटे नहीं करना है, बस 15 seconds तक सॉटे करना है और फिर इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देना है। अब मैं डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दूंगी और डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने के बाद फिर इसको कोकोनट के थोड़ा सा कलर चेंज होने तक सॉटे कर लेना है, तकरीबन हाफ मिनट तक सॉटे करने के बाद ये देखिए कोकोनट का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देना है और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले इसको ठंडा कर लेना है और फिर ग्राइंडर जार में इसको ऐड करना है। ग्राइंडर जार में ऐड करने के बाद इसको पहले विदाउट वाटर ड्राई ग्राइंड करना है और फिर पानी ऐड करके फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो मैंने ग्राइंडर जार में इसको ऐड कर दिया है और पहले इसको मैं विदाउट वाटर ड्राई ग्राइंड कर लूंगी और फिर पानी ऐड करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी। तो मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है और अब मैं पैन में सरसों का तेल ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज किया है, आप जो तेल पसंद करते हो वो तेल ले सकते हो। तेल जब गर्म हो जाएगा फिर इसमें तड़का ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 सूखी लाल मिर्च लिए हैं और 2 तेजपत्ता तड़का में ऐड कर दूंगी। ये देखिए पहले मैंने सूखी लाल मिर्च ऐड कर दिया, फिर तेजपत्ता। तड़का को थोड़ा सा क्रैकल होने देना है। जब तड़का क्रैकल हो जाएगा फिर इसमें प्याज ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 2 medium size के प्याज ग्रेट करके लिए हैं, आप चाहे तो बारीक कट करके भी ले सकते हैं। और प्याज को ऐड करने के बाद फिर थोड़ी देर इसको सॉटे करना है जब तक प्याज बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाता। तकरीबन 2 से 3 minutes तक प्याज को सॉटे करने के बाद ये देखिए प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक
कट करके लिए हैं। और ग्रीन चिली बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चिकन में रेड चिली पाउडर और ड्राई रेड चिली दोनों ऐड कर रखे हैं। हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने ग्रीन चिली ऐड किया है। और ग्रीन चिली ऐड करने के बाद फिर मैंने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को 4 से 5 मिनट तक तेज आंच पे भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक चिकन का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट से चिकन को मैं सॉटे कर रही हूँ और चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें मसाला पेस्ट ऐड करूंगी। मैंने जो मसाला पेस्ट तैयार किया था उसको ऐड कर देना है। और मसाला पेस्ट ऐड करने के बाद चिकन को मसाला पेस्ट के साथ 1 मिनट तक अच्छी तरह से सॉटे करना है। 1 से 1.5 मिनट तक सॉटे करने के बाद अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर ग्रेट करके लिए हैं, ऐड कर दूंगी। और टमाटर ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है। फिर चिकन को मीडियम आंच पे ढक के चिकन के प्रॉपरली कुक हो जाने तक पका लेना है। बीच बीच में चेक करते रहना है ताकि चिकन जले नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। तो चिकन को ढक के मैंने पकने के लिए रख दिया है। और तकरीबन 10 मिनट तक चिकन को स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद ये देखिए चिकन बिल्कुल डन है। तो लास्ट में इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देना है। इस चिकन को आप स्टीम राइस, चपाती, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। तो चिकन को मैं सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी। अगर आप सबको मेरी ये चिकन कोल्हापुरी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।